भेजा जाएगा वो दोनों देशों के जरिए ही होगा। यूक्रेन को मदद भेजेगा भारत। एक वक्त इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन को दवाएं भेजने की ओर बढ़ता हुआ भारत। युद्ध प्रभावित इलाकों में मदद भेजने की तैयारी में भारत है और यूक्रेन की अपील पर भारतीय मदद भेजने की बात कही जा रही है। वो यूक्रेन जो इस वक्त युद्ध की स्थितियों से गुजर रहा है, जहां ना खाने पीने की सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं ना फिर दूसरी जरूरी सुविधाएं, ऐसे में भारत का ये जेस्चर बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। युद्ध प्रभावित इलाकों में भारत मदद भेजेगा और ये मदद इस लिहाज से जरूरी हो जाती है क्योंकि मौजूदा वक्त में जो लोग, कई लोग ऐसे भी होते हैं युद्ध की स्थितियों में कि जो होर्डिंग करने लगते हैं और ऐसे में दवाइयों की किल्लत ना हो, कम से कम जो मरीज है जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए बहुत मददगार होगी ये मदद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, ये बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में जब यूक्रेन इतने बुरे वक्त से गुजर रहा है और भारत का ये पहल। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और भारत के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स है क्योंकि जिस तरह की टाइट रोप वॉकिंग भारत को करनी पड़ रही है क्योंकि दोनों देशों से उसके संबंध अच्छे हैं, रूस से पुराने और प्रगाढ़ संबंध है और अमेरिका से भी हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे यूएनएससी की और सिक्योरिटी काउंसिल जी, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन अगला सवाल पिनाक रंजन चक्रवर्ती मेरा आपसे है, वो सवाल यही है कि किस तरह से मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जरूरत है। कई लोग किसी तरह से सामरिक तौर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत का ये जेस्चर आप कैसे बताएंगे इसको? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जेस्चर है, हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं वो जो सबके लिए है, किसी एक उसके लिए नहीं। और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने की कि देखिए भारत का मकसद बड़ा सिंपल है, हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमारे नागरिक हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको उनको बाहर निकाला जाए वहां से, युद्ध 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 जहां पे हो रहा है कीव से पर्टिकुलरली, तो यही है हमारा मकसद और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं जो सबके लिए है, वहां पे तो जरूरत पड़ेगी दवाइयों की लोगों को, तो इसीलिए हम ये एड दे रहे हैं और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विदेश नीति के लिहाज से भी ये कदम अहम हो जाता है लेकिन मौजूदा वक्त में यूक्रेन के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, रशिया उन्हें आंखें तरेर कर देख रहा है, ऐसे में आप ग्लोबल सिनेरियो में मौजूदा वक्त को क्या बताएंगे? देखिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी कि हमारे लिए जो खतरा पैदा होने वाला है वो ये होगा कि इनएक्शन से चाइना क्या सीखता है, और ये एक बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने वो लेसन शायद ले भी लिया है ऑलरेडी, 2014 के क्रीमिया से उन्होंने वो लेसन ले लिया था। ये इश्यूज मतलब वो जो टेरिटरी उनका, वो जो टेरिटरी क्लेम करते हैं उसको शायद उस पर वो बहुत ज्यादा अपना कड़ा रुख अख्तियार करने वाले हैं और ऑलरेडी हमारा LAC पे उनके साथ एक कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो एक ये इशू हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मैं 10 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, खार्किव में बमबारी हुई है और किस तरह से जलते हुए टैंक आप तस्वीरों में देखिए, टैंक के सामने यूक्रेनी और सेना का वीडियो भी सामने आया। खार्किव में धमाका हुआ है और जेटोमर में विस्फोट हुआ है, यूक्रेन में हवाई हमला भी किया गया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये देखिए धमाकों की आवाज से गूंज उठा है यूक्रेन और सायरन की आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। तेल के डिपो में भयानक आग की तस्वीरें, ये किस तरह से यूक्रेन के जलने और बमबारी से गुजरने की तस्वीरें बयां करती हुए और हालात आप ये समझिए कि किस तरह मौजूदा वक्त में वहां पर रह रहे लोग दहशत ज़दा होंगे, वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कब उन्हें इस माहौल से मुक्ति मिलेगी। देखिए सायरन की आवाज अब आम हो गई है उन लोगों के लिए जो यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है कि कब इन्हें मुक्ति मिलेगी इस मौजूदा वक्त से, मौजूदा हालात से, क्योंकि अभी भी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कुछ सकारात्मक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, इन तस्वीरों के जरिए यूक्रेन को समझना बहुत आसान है लेकिन जो बातचीत हो रही है उस बातचीत की टेबल पर आना ही अपने आप में बड़ी चुनौती थी, ऐसे में उम्मीद क्या लगाई जाए? देखिए इस पहले वाली बातचीत से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जो दो देश इस टाइम जो लड़ाई कर रहे हैं वो अपने एक दूसरे का पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि रशिया की तरफ से तो कुछ मतलब ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन जेलेंस्की जो थे वो अपने ट्वीट के थ्रू काफी कुछ जानकारी दे रहे थे अपने स्टैंड के बारे में। दो पार्टियां सामने बैठ के अपने अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे से मिनिमम एक्सपेक्टेशन के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा लाइन ऑफ थॉट ये है, तुम आपका लाइन ऑफ थॉट ये है। बेसिकली इससे ज्यादा मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि एटलीस्ट सम ग्राउंड विल बी ब्रोकन एंड देयर इज अ मीटिंग, तो उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कुछ यहाँ से निकलने वाला। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा नहीं निकलने वाला है, यानी कि आने वाले जो दिन है वो यूक्रेन के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे।
जी, मतलब शायद ये होने वाला है क्योंकि क्योंकि ये पहली मीटिंग है, तो लेकिन हाँ इतना है कि दोनों साइड एक मिनिमम टेक अवे यहाँ से लेके जाएंगे और हो सकता है 2 से 3-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ, शायद कुछ सीज फायर एग्रीमेंट या कुछ उस टाइप का कुछ इनकी बीच की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से मदद की गुहार यूक्रेन लगाता हुआ नजर आ रहा है, कुछ देश जरूर सामने आए हैं, उस पर भी मैं आगे बातचीत करूंगी, लेकिन यूक्रेनी सेना के चुनौती से किस तरह से रूस बौखला हुआ है उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचा दे। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 4,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि कई टैंक और 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। यूक्रेन के जेटोमेर में भी जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस का एक बड़ा विमान मार गिराया गया है। लेकिन अगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विनोद दत्ता जी, तो इसमें अहम हो जाता है कि उसने कहा है कि रासायनिक अटैक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक और दावा जो यूक्रेन कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दावा है जिसमें 4,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात यूक्रेन कर रहा है? देखिए, जिस तरह की कैजुअल्टी की फिगर्स दिखाई जा रही हैं, तो वो रशियन कैजुअल्टीज करीब 4,200 है, तो वो काफी कैजुअल्टीज है जिस तरह का ऑपरेशंस इन्होंने लॉन्च किया है, और जिस तरह की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रशिया की आर्मी की है, इतनी कैजुअल्टीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऑपरेशंस बिल्ट अप एरिया के हो गए हैं, रिहायशी इलाकों में लड़ाई हो रही है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है, तो उसमें जो अटैकिंग फॉर्मेशन है या जो अटैकिंग आर्मी है उसकी कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो डिफेंडर है, शायद यूक्रेन ने ये रणनीति इसीलिए अपनाई है क्योंकि उसने रशियन आर्मी को फ्री रन इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है वो उनका मुकाबला जो मोर्चे थे या जो डिफेंडेड लोकेलिटीज थी वहां नहीं कर पाते, और उन्होंने ये रशियन आर्मी को चैनलाइज किया टू देयर ओन ग्राउंड ऑफ चूजिंग, और उन्होंने ये देखा कि हम उनको डिले कर सकते हैं अगर हम उनकी जो ऑपरेशंस है उनको बिल्ट अप एरिया में ले आके खड़ा कर दें। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, परमाणु युद्ध की जो बात की जा रही है, उस दावे में कितनी सच्चाई है, या फिर दस्ते को तैयार रहना, क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है, ये भी समझना होगा। इधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। रूस लगातार आगे बढ़ने के दावे कर रहा है। रूस का दावा है कि जल्द ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। रूस यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है, हालांकि यूक्रेन इसे नकार रहा है। यूक्रेन लगातार जारी रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई टैंक तबाह किए हैं। वहीं यूक्रेन की जनता में रूस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, और कई जगहों पर लोगों ने रूस के टैंक रोक दिए हैं। ओखर्तिका समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस पर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से